इसे हम कह देंगे इट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स बिटवीन बेंजीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट. इट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ वीक वंडरवॉल बॉन्ड बिटवीन बेंजीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट. हम कहते हैं लिक्विड स्टेट में ढेर सारे बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग होती है, वीक वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, और उस वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही बेंजीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. यदि वहां अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो बेंजीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. हम अच्छी तरह से जानते हैं जहां कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है वहां गैसियस स्टेट होता है. हमारे चारों तरफ जो गैस है, हमारे चारों तरफ जो एयर है, वो गैसियस स्टेट में इसीलिए है क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है. इस वजह से रैंडम मोशन है, इस वजह से गैसियस स्टेट है. और लिक्विड स्टेट, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ लिक्विड स्टेट इज दैट देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह का बॉन्डिंग बनाएंगे. हम कहते हैं बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वीक वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से इनके बीच में वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग बनी हुई है और उसी वजह से यह लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. और हम कहते हैं यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगे तो सॉलिड स्टेट की नेसेसरी कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स. यदि पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करने लगे, अट्रैक्टिव फोर्स काफी अधिक हो जाए, तो वहां पर सॉलिड स्टेट होता है. हम कहते हैं बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग है. और जब हम लिक्विड बेंजीन को बेंजीन वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनफैक्ट हम उन सभी बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसकी वजह से जो वंडरवॉल बॉन्डिंग है उनको तोड़ रहे हैं और उनको अलग कर दे रहे हैं. इस वजह से वो गैसियस स्टेट में जा रहे हैं. इस रिएक्शन के एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन कहेंगे. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन को इस तरह से डिनोट करा जा सकता है. पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है. और यह जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन है इसे हम इस तरह से भी कंसेप्चुलाइज करेंगे. इट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ वीक वंडरवॉल बॉन्ड बिटवीन बेंजीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट. अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं. सबसे पहले इस रिएक्शन को ध्यान से देखो. H2 half O2 giving you H2O in liquid state. इस रिएक्शन को ध्यान से देखो. अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप क्या क्या नाम दे सकते हो? इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप क्या क्या नाम दे सकते हो? बिल्कुल सही, सिर्फ दो ही नाम दे सकते हैं अभी तक के नॉलेज के बेसिस पर. तो एक तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
क्योंकि एक मोल वाटर बन रहा है प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से, इसलिए यह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहलाएगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रही है स्टेबल ऑक्साइड्स में, तो यह कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाएगा। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को या तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहेंगे या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यह रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है, इट वुड बी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू? बाय जनरल नॉलेज एंड बाय कॉमन सेंस इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव। इट्स ऑलवेज नेगेटिव। हम कहते हैं कंबस्टन फिनोमेना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ऑक्सीडेशन फिनोमेना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। हाइड्रोजन गैस जब बर्न हो रही है तो वो हीट लिबरेट करेगी, इसलिए नेगेटिव। या दूसरे शब्दों में कहें, इट्स फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। वाटर इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल is always an exothermic phenomena. It's always associated with liberation of enormous amount of energy. तो यहां exothermic phenomena होना है या दोनों enthalpy negative होनी है। हम चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, value इनकी एक ही होनी है। अब क्या आप इस reaction की enthalpy को bond energy के terms में लिख सकते हो? इसी समय इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख दीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर व्हिच वुड बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन वुड बी इक्वल टू, नाउ इफ आई विश टू राइट एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, क्या मुझे सजेस्ट करोगे कैसे लिखेंगे? मैंने लिखने का तरीका बताया है, इट्स समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यह रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, इट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। H2 में HH बॉन्ड होगा, उसके लिए हम लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस, नाउ हियर वी हैव हाफ O2 मींस हाफ टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 में कौन से बॉन्ड है? O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O। दिस इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, अब मैं इधर लिखूंगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या आप मुझे बताएंगे प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? प्रोडक्ट में HOH, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे कैसे? लिक्विड वाटर में आपको HOH दिख रहा है तो लिखोगे कैसे? इसमें OH OH के दो बॉन्ड है, H2O में वी हैव गॉट टू OH बॉन्ड, सो इट्स टू टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, इट्स टू टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। क्या सिर्फ यही बॉन्ड है? क्या प्रोडक्ट में सिर्फ यही बॉन्ड है? H2O which is in liquid state, क्या इसमें सिर्फ दो OH बॉन्ड ही लिखे जाएंगे? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तभी तो ये लिक्विड स्टेट में है। H2O में HOH तो है ही, इसके अलावा वहां पर H2O जो लिक्विड स्टेट में दिख रहा है
ये लिक्विड स्टेट में इसलिए क्योंकि ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े हुए। तो हमें प्रोडक्ट में बॉन्ड एनर्जी लिखते समय हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी भी लिखनी है। बट व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसकी जगह पर मैं लिखूंगा इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में मुझे ऐसे लिखना चाहिए। ध्यान रहे मैं क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करवा रहा हूं, मगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सारे तरीके बता रहा हूं। मैं डेफिनेशन समझाने के जा रहा हूं और साथ साथ में उस डेफिनेशन पर बेस्ड जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स भी उनके उनको सॉल्व करने के तरीके बताते जा रहा हूं। इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को बॉन्ड एनर्जी में इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। मैंने कंसेप्ट यही लगाया है एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, इट्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, नाउ व्हाट इज फ्यूजन फिनोमेना। फ्यूजन होता क्या है, इट्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। Transformation of solid into liquid at constant temperature is termed as fusion. Solid ka liquid mein conversion constant temperature par. That is fusion. Now what is enthalpy of fusion? Enthalpy of fusion is the change in enthalpy when one mole of solid gets converted into one mole of liquid. Constant temperature. It's always an endothermic phenomena. It's always a positive value. Transformation of or the change in enthalpy when one mole of solid gets converted into one mole of liquid at constant temperature. It's the change in enthalpy when one mole of solid gets converted into one mole of liquid at constant temperature. Now, जैसे ice का melt होना और water में convert होना, that is fusion. Melting of ice is called fusion of ice. आइस मेल्ट होता है वाटर में कन्वर्ट होता है। अब वंस अगेन इधर मैं बता दूं, एंथैल्पी टर्म इज कंसेप्चुलाइज फॉर वन मोल, एक मोल। हमारे पास इसी तरह का एक सिमिलर टर्म होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Now, latent heat of fusion is the heat required to convert 1 gram of solid into 1 gram of liquid at constant temperature. Latent heat of fusion is heat required to convert 1 gram of solid into 1 gram of liquid at constant temperature. Constant temperature rakhte huye
एक ग्राम सॉलिड को एक ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट आपको देना पड़ेगी वह लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम. कैन यू टेल मी व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? आइस का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बता देंगे, मीन्स बिल्कुल सही, H2O इन सॉलिड स्टेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O इन लिक्विड स्टेट, इट्स 18 इनटू 80 कैलोरीज पर मोल और 1440 कैलोरीज पर मोल और यू विल से इट्स 1.44 किलो कैलोरीज पर मोल. This is the enthalpy of fusion and latent heat of fusion. We relate it in this manner. Fusion phenomena क्या होता है? Fusion term जब भी आए तो एकदम से दिमाग में picture बन जाना चाहिए कि fusion होता क्या है और enthalpy of fusion क्या है. ये हमेशा एक endothermic phenomena है, heat हमेशा absorb होती है जब भी कोई solid liquid में convert होता है. Now the next is enthalpy of sublimation. अब देखिए फ्यूजन के दौरान भी आप कर क्या रहे हो, कैन इमेजिन फ्यूजन के दौरान आप कर क्या रहे हो भाई. सॉलिड जब बना है तो सॉलिड इसलिए बना है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग है और आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मतलब जो उसके बीच का स्ट्रांग बॉन्डिंग है आप उसे तोड़ दे रहे हो, उसे तोड़कर वीक बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हो. मतलब वंस अगेन जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्ट्रांग बॉन्डिंग को तोड़ रहे हो, मींस वंस अगेन इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जी. सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रांग बॉन्ड बना हुआ है आप उसे तोड़ रहे हो और बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगती है आप उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं. द नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर. दैट्स परफेक्ट. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर. कांस्टेंट टेंपरेचर पर जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन. नाउ how do we define enthalpy of sublimation? Enthalpy of sublimation should be defined as the change in enthalpy when one mole of solid gets converted into one mole of gas at constant temperature. The change in enthalpy when one mole of solid gets converted into one mole of gas at constant temperature. See, solid and in graphite state gets converted into gaseous state. The enthalpy change during this phenomena would be termed as enthalpy of sublimation. ध्यान रहे यह हमेशा एक endothermic phenomena होगा. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आपको हीट देना पड़ती है, एनर्जी देना पड़ती है, या एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है. अब
हम कहते हैं वंस अगेन सब्लिमेशन को भी हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में देख सकते हैं। कैसे भाई? सॉलिड ग्रेफाइट में होता क्या है? सॉलिड ग्रेफाइट में ढेर सारे कार्बन एटम इस तरह से हेक्सागोनल प्लेन बनाते हुए ढेर सारे कार्बन एटम इस तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू ईच अदर इन दिस मैनर। दिस इज सॉलिड ग्रेफाइट। इसमें हर एक कार्बन एटम आसपास के तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है एक प्लेन में, और इस तरह से हेक्सागन शेप बनता है और ढेर सारे कार्बन एटम है वहां। अब सब्लिमेशन के दौरान हम कर क्या रहे? हम इन कार्बन के बीच में बने हुए सारे सारे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जितने भी बॉन्ड हैं इन सब को तोड़ देते, और इन सब को तोड़कर हम सभी कार्बन को बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब उनमें किसी तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो सब गैसियस स्टेट में आ गए और रैंडम मोशन कर रहे हैं। हमने सारे कार्बन को तोड़ के अलग कर दिया। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इन फैक्ट इट्स बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स इन सॉलिड ग्रेफाइट स्टेट। एंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इन फैक्ट बॉन्ड एनर्जी, इट्स बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। सॉलिड ग्रेफाइट स्टेट में कार्बन एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं उन सब बॉन्ड को तोड़कर आप सभी कार्बन को गैसियस स्टेट में पहुंचा दे रहे हो, सबको अलग अलग कर दे रहे हो। तो इस काम को करने के लिए जो भी कुछ एनर्जी आप दे रहे हो उसको आप एंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन कह रहे हो। एंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ऑल कार्बन एटम इन सॉलिड ग्रेफाइट स्टेट। अब मैं फिर एक और रिएक्शन देता हूं आपको। सबसे पहले मुझे बताओ इस रिएक्शन की एंथाल्पी को आप क्या क्या नाम दोगे? कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट गिव्स यू CO2 इन गैसियस स्टेट, और इस रिएक्शन की एंथाल्पी डेल्टा H। सबसे पहले मुझे बताओ इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन की एंथाल्पी को क्या क्या कहा जा सकता? कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट एंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट, इट्स एंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट। और क्या कह सकते हो? इट्स एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एज वेल, इट्स एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इस रिएक्शन की एंथाल्पी को या तो हम एंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट कहेंगे क्योंकि इसमें ग्रेफाइट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टेबल ऑक्साइड, या फिर इस रिएक्शन की एंथाल्पी को हम एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहेंगे क्योंकि इसमें CO2 बन रहा है उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। अब क्या इस रिएक्शन की एंथाल्पी को आप इसी समय बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो? पी ऑफ कार्बन
BE of carbon. What do you mean by that? तो वो है क्या? वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट क्या है? वो ऑलरेडी मैंने बता दी. हाँ, अब हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट नहीं कहेंगे. हम ऑलरेडी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में इस बात को कंक्लूड कर लिए हैं. हमें यह लिखना है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में हमें ग्रेफाइट देखा है, कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट. अब इधर सबसे पहले हम यह बात सोचेंगे कि कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट, इसमें ढेर सारे सीसी बॉन्ड है, इन सबकी बॉन्ड एनर्जी हमें लिखना होगी. मगर इन सबकी बॉन्ड एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट नहीं लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट. अब हमने ये बात समझ ली है पहले कि बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ऑल कार्बन एटम इन सॉलिड ग्रेफाइट स्टेट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. तो हम कहेंगे इट्स एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट. यह ग्रेफाइट की बॉन्ड एनर्जी हो गई, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ. नाउ दिस इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड है? CO2 में वी हैव गॉट 2 C डबल बॉन्ड O. सो इट्स 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O. दिस इज एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन रिटन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जिसमें हमने कहा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट स्टेट. आज के दिन यहीं तक कराता हूं. इस बेसिस पर मैं कुछ असाइनमेंट अभी आपको दूंगा, वह सब आपको करना है. एग्जैक्टली यहीं से मेरे परसों के लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा. आज जो मैंने आपको समझाया है, एक तो कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी समझाया है और दूसरा एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज. एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और फिर मैंने इन एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज को बॉन्ड एनर्जी के साथ में रिलेट कराया है और कैसे इनको बॉन्ड एनर्जी के एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं वह सिखाया. इस बेसिस पर ढेर सारे प्रॉब्लम्स असाइनमेंट में मिलेंगे आपको, वो सारे करना है. आज के लिए इतना ही.